अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि गाड़ी के ऊपर, गाड़ी पे कलर जो बनता है उसका क्या तरीक़ेकार है। पहले ये जापानी कलर है, इसका 040 नंबर है। ये मेहरान पे हम अप्लाई करने जा रहे हैं। अब इसके अंदर केमिकल की मिक्सिंग कर रहे हैं। ये 2K के पेंट होते हैं, हार्डनर वाले। इसके अंदर हार्डनर मिलाया जाता है, थिनर मिलाया जाता है। अभी हम फर्स्ट कोट अप्लाई करेंगे और ये आप देख सकते हैं, ये केप्सी बहुत अच्छा ब्रांड है। इससे भी अच्छे ब्रांड आते हैं लेकिन ये अभी काफ़ी एक्सपेंसिव और सबसे अच्छा अभी यही है मुनासिब। ये हार्डनर की इसके अंदर 1/3 की जो है तादाद डलेगी। 1/3 हमने इसमें हार्डनर डाल दिया। ये आप थिनर देख सकते हैं, ये 2K का थिनर है। ये फाइनल हाथ में हम अप्लाई करेंगे और ये स्पेशल थिनर है, तो फर्स्ट हाथ में अप्लाई करेंगे। ये निपॉन का थिनर है, ये पहले हाथ में डालेंगे। ये अभी फर्स्ट कोट के लिए सामान रेडी कर रहे हैं। और ये जो आप गन देख रहे हैं, ये फिल्टर लगाया हुआ है जिसकी वजह से आप काम करेंगे तो पानी नहीं आएगा कंप्रेसर का। डेविल विस्क की गन है हमारी GTI। ये जब गन में जब भी डालेंगे इसको छान के डाला जाएगा, अगर डायरेक्ट डालेंगे तो कचरा आ सकता है। ये आप देख सकते हैं, अभी इसके ऊपर हम ये कलर अप्लाई करेंगे। इसको अच्छी तरीके से पहले डिग्रीज़र मारा गया है ताकि किसी भी पीस के ऊपर कहीं भी चिकनाहट ना बाकी रह जाए। और ये जो नया बम्पर है इसके ऊपर प्लास्टिक प्राइमर अप्लाई किया गया है ताकि पपड़ी बन के कलर इसका उतरे नहीं। ये फर्स्ट कोट अप्लाई हो रहा है गाड़ी पे। एक गाड़ी पे कम से कम 1.5 लीटर कलर अप्लाई होता है और एक पीस के ऊपर एक डब्बी। यह नॉलेज आपको इसलिए दी जा रही है ताकि आप लोग जब भी काम कराएं तो कोई आपको बेवकूफ़ ना बना सके। ये फर्स्ट कोट अप्लाई हो रहा है, अभी आप देखेंगे इंशाल्लाह यही ऐसा हो जाएगा कि बिल्कुल मिरर।